आज हम पढ़ेंगे रिमर। रिमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, यानी इसमें दो या दो से अधिक इसके अंदर कटिंग पॉइंट्स होते हैं, तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। इसमें एक से अधिक कटिंग एजेज होती हैं। इसका प्रयोग पहले से बनाए गए होल के अंदर उसकी परिशुद्धता बनाने के लिए या उसको फिनिश करने के लिए किया जाता है। रिमर के द्वारा बहुत थोड़ी मात्रा में, लगभग 0.02 से 0.15 mm तक की धातु कटती है। ड्रिलिंग या बोरिंग करते समय रिमिंग अलाउंस दे दिया जाता है, यानी जैसे अपन को 10 mm का रिमिंग होल तैयार करना है, तो उसके अंदर पहले ही उस होल को छोटा बनाया जाता है ताकि रिमिंग के लिए धातु उसमें बच जाए। कभी कभी रिमिंग को दो चरणों में विभक्त किया जाता है, यानी पहले रफ रिमिंग की जाती है, उसके बाद फिनिशिंग रिमिंग की जाती है। अब है रिमर के लाभ। रिमर के द्वारा उच्च गुणवत्ता की सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होती है, यानी जो होल होता है उसके अंदर अच्छी फिनिशिंग बना के देता है। इसके द्वारा छोटे छिद्रों की फिनिशिंग भी संभव है, यानी छोटे छोटे होल को भी यह फिनिश कर सकता है। इसके निकटतम सीमा तक विमीय परिशुद्धता प्राप्त होती है, यानी इसमें टॉलरेंस के समीप तक, लिमिट के समीप तक यह होल को फिनिश करके देता है। फिर है रिमर के पदार्थ। रिमर को बनाने के लिए सामान्यतः हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। लगभग जो भी कटिंग टूल है वो हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ती व अधिकतर पदार्थों को अच्छी तरह से काट सकती है। परंतु जब किसी रिमर को दो खंडों में बनाया जाता है, तो रिमर के सेंक को कार्बन स्टील का तथा कटिंग एज को हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इन खंडों को बट वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों मटेरियलों को वेल्डिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ अगर देखते हैं तो ये रिमर की बॉडी हो गई और ये इसका सेंक हो गया। जैसे ये रिमर की बॉडी हो गई और ये इसका सेंक हो गया। तो इन दोनों को आपस में बट वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील है और ये कार्बन स्टील है। तो दो अलग अलग मटेरियल से जब बनाया जाता है तो इन्हें बट वेल्डिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। फिर है रीमर के भाग। जैसे ड्रिल के भाग थे, वैसे ही रीमर के भी भाग हैं। पहला है अक्ष। रीमर के अनुदैर्ध्य केंद्र रेखा रीमर का अक्ष कहलाती है, यानी ये अब इसका डायग्राम है अपने। तो ये है रीमर का अक्ष, इसका जो सेंटर लाइन है वो इसका क्या कहलाता है, अक्ष। बेवल लीड रिमर के प्रयोग किए जाने वाले सिरे पर बना नुकीला कर्तन भाग बेवल लीड कहलाता है। यह नुकीला भाग रिमर को छिद्र में प्रवेश कराने में सहायता प्रदान करता है। जैसे यहाँ इसका यह है बेवल लीड, जो इसको आगे से टेपर में बनाया गया है ताकि ये होल में आसानी से प्रवेश कर जाए। ये इसका बेवल लीड, ये टेपर होने से यह होल में आसानी से प्रवेश कर जाता है और रिमिंग शुरू कर देता है। फिर है बॉडी। रिमर के जिस भाग में कर्तन कोर बनी होती है वह उसका बॉडी कहलाता है, वह भाग इसका बॉडी कहलाता है। किसी भी रिमर का मुख्य भाग उसकी बॉडी होती है, क्योंकि रिमर की जो बॉडी है वही रिमिंग करने का कार्य करती है।
बॉडी पर ड्रिल के समान फ्लूट्स बने होते हैं। जो ड्रिल के ऊपर फ्लूट्स बने होते हैं, उसी प्रकार इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर भी फ्लूट्स बने होते हैं। फिर है वृत्ताकार लैंड। लैंड के आगे के किनारे पर कर्तन कोर को संलग्न बेलनाकार ग्राइंड सतह वृत्ताकार लैंड कहलाती है। जैसे ये इसका वृत्ताकार लैंड है। अब होता है बेवल लीड कोण, जो अपना रिमर का एक भाग है। कर्तन कोण तथा रिमर के अक्ष के मध्य का कोण बेवल लीड कोण कहलाता है। यानी कटिंग एज और रिमर का जो अक्ष होता है उसके मध्य के अंदर जो कोण बनता है उसे अपन बेवल लीड कहते हैं। ये रिमर की टेपर लीड हो गई, ये कटिंग एजेज हो गई। तो इसका जो अक्ष होता है उस अक्ष से इसको कितने डिग्री पर इसको जो है टेपर में बनाया गया है वो इसका टेपर लीड कोण कहलाता है। फिर है टेपर लीड। रिमर के प्रवेश करने वाले सिरे पर टेपरित कर्तन भाग को कर्तन एवं परिष्करण में सहायक होता है, टेपर लीड कहलाता है। कहने का मतलब रिमर के जो प्रवेश करने वाला जो सिरा होता है उसको टेपर, जो कर्तन भाग होता है जो परिष्करण करने में काम आता है वो टेपर लीड कहलाता है। फिर है झिर्री। रिमर की बॉडी का वह भाग जिस व्यास पर कर्तन कोर पायलट की अपेक्षा कम होता है झिर्री कहलाता है। यानी स्लॉट्स जो कटे होते हैं वो इसका झिर्री कहलाता है, रिसेस जिसको बोलते हैं। टेपर लीड कोण, यह टेपर के कर्तन कोर तथा रिमर की अक्ष के मध्य का कोण होता है। फिर है झिर्री की लंबाई। कर्तन कोर के नीचे रिमर की बॉडी के उस भाग की लंबाई जो व्यास से कम होती है झिर्री की लंबाई कहलाती है। और कुल लंबाई जो होती है वो रिमर की पूरी लंबाई होती है, वो उसकी कुल लंबाई होती है। फिर है बेवल लीड। यानी उसकी बेवल लीड कोई अक्षीय लंबाई बेवल लीड की लंबाई कहलाती है। कर्तन कोर की लंबाई यानी जो सिरे काटने के काम आते हैं उसकी लंबाई जो है वो कर्तन कोर की लंबाई होती है। कार्बाइड टिप की अपेक्षा अक्षीय लंबाई जो प्राइमरी क्लीयरेंस के साथ दी जाती है वह जिससे टेपर व बेवल लीड सम्मिलित होती है कर्तन कोर की लंबाई कहलाती है। जैसे अब है कर्तन कोर की लंबाई, ये तो हो गया। सेंक, रिमर की बॉडी के ऊपर का भाग जिस प्रकार ड्रिल में होता है उसी प्रकार इस रिमर में भी होता है, जो कि सपाट होता है, प्लेन होता है। इसी भाग से रिमर को किसी मशीन या रिंच आदि में पकड़ा जाता है या पकड़ के घुमाया जाता है। कुछ रिमर का ऊपरी भाग वर्गाकार होता है। इस वर्गाकार हेड के अंदर जो टेप रिंच होता है उसमें इसको पकड़ा जाता है और उसको चलाया जाता है। जैसे ये है अपना पैरेलल सैंक, समांतर सैंक। समांतर सैंक वाले रिमर का सैंक सीधा होता है तथा इसका ऊपरी सिरा वर्गाकार होता है। ये जो क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस जो दे रखा है ये वर्गाकार भाग को दर्शाता है। इसका ऊपरी सिरा वर्गाकार होता है जिसे टैंक कहते हैं। ये भाग इसका क्या कहलाता है, टैंक। इसे टैप रिंच द्वारा या टैप हैंडल द्वारा इसको पकड़ के हाथ द्वारा चलाया जाता है। ये है अपना टेपर सेंक। जिस प्रकार ड्रिल में होता है टेपर सेंक वैसे ही इसमें भी है। ड्रिल की तरह रिमर की सेंक भी मानक मोर्स टेपर में बनी होती है। इसे भी मशीन, ड्रिल मशीन या लेथ मशीन के अंदर उपयोग में लाया जा सकता है।
इस प्रकार की सेंक वाले रीमर को स्लीव, सॉकेट या मशीन स्पैंडल में फिट किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। टेपर सेंक का अनुपयोग मुख्यतः मशीन रीमर में किया जाता है, यानी इसका उपयोग अधिकतर मशीन रीमर में किया जाता है। कर्तन ज्यामितीय फ्रूट से संबंधित पद है। रीमर की बॉडी में बने खांचे जिन्हें फ्लूट्स कहते हैं, इनका उपयोग कर्तन धार बनाने और कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाने के लिए तथा छीलन जो स्क्रैप होती है उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ ये इसकी एक कटिंग क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, ये अपना इसका पॉइंट है जिसको अपन देख रहे हैं सामने से। ये वाला भाग इसको यहाँ से दिखा रहा है सामने से। इसमें ये होती है कर्तन कोर, कटिंग एज, ये शून्य रेक कोण, यानी इसमें अभी रेक कोण शून्य है। तो ये कोण ये अभी शून्य है। यदि ये यूं हो जाए तो इसमें इसकी मोटाई बढ़ जाती है, लेकिन अभी ये शून्य रखा हुआ है। जिस प्रकार अब ऐसे भी इसको अपन कम भी कर सकते हैं और इस कोण को बढ़ा भी सकते हैं, पर अभी ये शून्य है, शून्य रेक कोण। ये इसका फेस है, ये जो भाग है ये इसका फेस है। ये इसकी कटिंग एज के पीछे वाला भाग हील कहलाता है और ये वाला फ्लूट्स कहलाता है। ये जो गोल रेडियस बन रही है ये पूरा फ्लूट्स कहलाता है। पहला है रेक कोण। व्यासीय तल में फेस तथा कटिंग एज की तिरछी रेखा के बीच बना कोण रेक कोण कहलाता है। जैसे ये अपना जो भाग है यानी सेंटर से इसको कितने डिग्री पे झुकाया गया है तो ये कोण क्या कहलाता है, इसका रेक कोण। और अभी यह है जो कोण है वो ऋणात्मक है क्योंकि ये शून्य से आगे बढ़ गया। अगर ये इस शून्य से इधर आ जाता ऐसे तो ये धनात्मक कोण कहलाता। फिर है हील, वह कोण जो द्वितीय अवकाश बनाने के पश्चात शेष सतह पर फ्लूड्स के मिलने से निर्मित होती है, हील कहलाती है। जैसे यह है, यह अपना पहला अवकाश इसमें दिया हुआ है और द्वितीय अवकाश यहाँ दिया हुआ है, तो ये भाग क्या कहलाता है, इसका हील कहलाता है। फिर है फेस यानी फलक, यह फ्लूड्स की सतह पर बनी कर्तन कोर के समीप का वह भाग है जिस पर जोब से निकली हुई छिलन टकराती है। जैसे इसके अगर अपन देखें तो ये है इसका फेस, ये है इसका फेस, यानी जहाँ कटिंग चिप्स इस पे आकर के टकराती है तो ये भाग जो कहलाता है ये फेस कहलाता है। फिर है हेलिक्स कोण। रीमर की अक्ष तथा कटिंग एज के बीच का कोण हेलिक्स कोण कहलाता है, यानी इसमें जो अक्ष है उसके साथ इन फ्रूट्स को कितने डिग्री पे ट्विस्ट किया हुआ है वो इसका हेलिक्स कोण कहलाता है। जैसे ड्रिल में होता है उसी प्रकार इसमें भी इनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाया जाता है, ये होता है इसका हेलिक्स कोण। फिर है क्लियरेंस कोण। रिमर के कर्तन कोण की परिधि से खींची गई स्पर्श रेखा तथा उसके अवकाश यानी प्राथमिक और द्वितीय के मध्य का कोण क्लियरेंस कोण कहलाता है। कहने का मतलब इसके अंदर जो कटिंग एज के पीछे के भाग को अपन ने जो क्लियरेंस दिया है वो इसका क्लियरेंस कोण ये है, ये इसका क्लियरेंस कोण है। ये इसका एक दांता दिखा रखा है और इस दांते से ये टॉप से लेकर के इसमें कितने डिग्री का क्लियरेंस दिया हुआ है वो इसका क्लियरेंस कोण कहलाता है। अब इसमें होता है एक तो प्राथमिक क्लियरेंस और एक द्वितीय क्लियरेंस, यानी पहला ऊपर वाला जो है वो प्राथमिक है,
सेकंड वाला जी है वो द्वितीय चतुर्थांश कोण है। फिर है कर्तन कोण। फलक और वर्ताकार लेंथ तथा प्राथमिक क्लीयरेंस की व्यवस्था करने के पश्चात शेष स्थान से बनी कोर कर्तन कोर कहलाती है, यानी जो एज कटिंग करती है इसमें वो इसकी कटिंग एज कर्तन कोर कहलाती है।